नमस्कार हमारे किसान भाइयों एवं व्यापारी भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रियल रायसेन मंडी बाजार भाव में। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आज दिनांक 11 अगस्त है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के आलू के भाव की। जैसा कि आप सब टाइटल में देख चुके हैं कि आलू आग बबूला हो चुका है, केवल आसमान फाड़ना बाकी रह गया है, आलू ने आसमान छूना स्टार्ट कर दिया। तो चलिए जानते हैं कहाँ पे आलू में तेजा हुआ है और कहाँ पे मंदी हुई है, तो जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए वक्त को ना कमाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर से। तो कानपुर में जो हमारा 37-97 आलू होता है वो जो कानपुर में जो 37-97 आलू होता है वो 850 रुपए से लेके जो कानपुर में 37-97 आलू होता है वो 850 रुपए से लेके 930 रुपए प्रति मन के हिसाब से बिचा है और मन 40 केजी का होता है। और जो हमारा न्यू हाईलैंड होता है वो 1000 रुपए से लेके 1090 रुपए प्रति मन के हिसाब से बिका हुआ है और मन 40 केजी का होता है। तो और जो सिंदूरी होता है वो 1000 रुपए से लेके 1070 रुपए प्रति मन, और जो कियाती होता है वो 820 रुपए से लेके 850 रुपए प्रति मन, वही पुखराज का भी सेम रेट है। तो अब हम बात करेंगे इलाहाबाद मुंडेरा मंडी की। तो इलाहाबाद मंडी में जो G4 आलू होता है जिसको पहाड़ी आलू बोलते हैं और कन्नौज क्षेत्र में उसको श्रीनाथ आलू बोलते हैं, तो वो आलू इलाहाबाद की मंडी में 2800 रुपए से लेके 2900 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका हुआ है। और वहीं पे जो गोला होते हैं हमारे हाइब्रिड जैसे कि ख्याति, पुष्कर, पुखराज, ये सारे आलू जो होते हैं वो 2200 रुपए से लेके 2300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिके हुए हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें जो हमारा न्यू हाईलैंड होता है वो 2500 से लेके 2600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका हुआ है। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें जिस किसी भाई को मुंडेरा मंडी से विदाउट कमीशन अपना माल बिकवाना हो तो आपको जो बिटिंग कार्ड दिखाई दे रहा है आप उस पर संपर्क कर लें और किसी भी प्रकार की जानकारी आप उस नंबर पर ले सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आगरा उत्तर प्रदेश से। तो आगरा में 1000 रुपए से लेके 1250 रुपए प्रति कट्टा 37-97 आलू और वजन 52 किलो 300 ग्राम का, ये आगरा क्षेत्र के रेट है। और अगर हम भाई बात करें अपनी उत्तर प्रदेश नखलों की, तो नखलों में जो 37-97 आलू होता है वो 2300 रुपए से लेके 2400, और जो चिप सोना होता है वो 2300 रुपए से लेके 2400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका हुआ है। और जो पुखराज होता है वो 2000 रुपए से लेके 2200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका हुआ है। तो अगर हम वहीं पे बात करें अपनी छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ चांपा जिला की, तो वहाँ पे 2900 रुपए से लेके 3000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू बिक रहा है। अब हम बात करते हैं बिहार समस्तीपुर की, तो बिहार समस्तीपुर में 2500 रुपए से लेके 2600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू बिका हुआ है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के छिबरामऊ की, तो छिबरामऊ में जो पोखराज आलू होते हैं वो 2240 रुपए से लेके 2300 रुपए प्रति क्विंटल, और जो न्यू हाईलैंड होते हैं वो 2560 रुपए से लेके 2600 रुपए प्रति क्विंटल, और जो चिप सोना होता है वो 2360 रुपए से लेके 2400 रुपए प्रति क्विंटल, और 37-97 की अगर बात करूँ तो वो 2300 रुपए से लेके अपना आ गया है 2400 रुपए प्रति क्विंटल तक, और ख्याति की बात करूँ तो वो 2200 रुपए से लेके 2300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। बात करें फरकाबाद की, तो फरकाबाद के और छिबरामऊ के रेट सेम है। बनारस की, तो बनारस की मंडी मंगलवार के दिन बंद रहती है, आज बंद है, जो वहाँ पे सोमवार का रेट है मंडे का जो रेट थे वो 37-97 के हैं 2400 से लेके 2450 रुपए प्रति क्विंटल, और जो हमारा गुल्ला होता है वो 2300 रुपए से लेके 2350 रुपए प्रति क्विंटल, और जो न्यू हाईलैंड होता है वो 2700 रुपए से लेके 2750 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका हुआ है। तो अब हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल,
वेस्ट बंगाल हुगली डिस्ट्रिक्ट की। तो हुगली डिस्ट्रिक्ट में जो आलू होता है जूती, जिसको जूती बोलते हैं, वो बेचा है 1200 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से बिका हुआ है। अब हम बात करें एमपी में जो जूती आलू होता है वो 2100 रुपये से लेके 2200 रुपये प्रति क्विंटल सोमवार के दिन था, और आज के दिन मंगलवार के दिन 1900 से 2100 रुपये ही रह गया, आज 1 रुपये डाउन हो गया है प्रति क्विंटल पर। तो अब बात करते हैं हम देहली आज़ादपुर मंडी की। तो देहली आज़ादपुर मंडी में 3797 जो आलू होते हैं वो 2000 रुपये से लेके 2300 रुपये प्रति क्विंटल, और जो सूर्या होता है वो 2400 से लेके 2500 रुपये प्रति क्विंटल, और जो इंदौर का चिप्स होना होता है वो 2200 से लेके 2300 रुपये प्रति क्विंटल, और जो हमारा गुजरात का चिप्स होना होता है वो 2000 रुपये से लेके 2300 रुपये प्रति क्विंटल, और जो पंजाब का एलआर होता है वो 2100 से लेके 2200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू बिका हुआ है। तो हम बात करें अगर गुजरात की, तो गुजरात में 2000 रुपये से लेके 2300 रुपये प्रति क्विंटल बादशाह जो है वो 2200 रुपये से 2562 रुपये प्रति क्विंटल। तो अब आइए बात करते हैं कि 1550 रुपये में कहाँ पे कट्टा बिचा है। तो अभी तक का जो टॉप रिकॉर्ड है कि अपने पूरे मेरे कन्नौज जिले में एक कोल्ड स्टोरेज है जिसका नाम है गीतांजलि शीत गृह, जिसके मैनेजर हैं राजेश कटियार जी, और उन्होंने मुझको जो रिपोर्ट दी है मंगलवार की, तो उन्होंने मुझे बताया है कि जो न्यू हाईलैंड आलू होते हैं प्रति कट्टा कोल्ड के भाड़ा सहित 1500 रुपये से लेके 1550 रुपये में यहाँ पे बेच रहा है कन्नौज मानीमू क्षेत्र में। और जो सिंदूरी है वो 1400 से लेके 1450 रुपये प्रति कट्टा, और जो चिप्स होना होता है वो 2200 रुपये जो चिप्स होना होता है वो 1250 रुपये से लेके 1300 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से बिक रहा है चिप्स होना। तो अब जहाँ का भी रेट रह गया है तो वहाँ भाई आप लोग समझ सकते हैं रेट सेम ही चल रहे हैं लगभग। तो जो भी है वो आपको अगली वीडियो में हम क्लियर करके देते हैं, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी दूसरे भाई को शेयर जरूर कर दें ताकि दूसरे भाई को भी जानकारी मिल सके और मेरी वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हो सके। मेरी वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि हमारी वीडियो किसान भाई के पास तक पहुँच सके। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग शेयर जरूर करेंगे और हर किसान भाई तक हमारी वीडियो जरूर पहुंचेगी। तो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।